नमस्कार। कक्षा 11 के सिलेबस में चैप्टर संख्या 6 चल रहा है हमारा, जिसमें हम नेक्स्ट जो टॉपिक कर रहे हैं वो है संकट, टक्कर या इंपैक्ट। A71 है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो संकट। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए देखे तो भी, और वैसे भी काफी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इसको नॉर्मल वे में हम ये कह सकते हैं, टक्कर भी कह सकते हैं इसको, नॉर्मल वे में सामान्य भाषा में टक्कर कह सकते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आगे की जो तो पूरी डिटेल है वो इस चैप्टर का ये जो सेकंड पार्ट है वो यही है, पूरा टक्कर के बारे में है। और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें हम कैलकुलेशन डेरिवेशन पार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या बातें, सबसे पहले तो टक्कर होते क्या है, फिर हम बात करेंगे टक्कर कितने प्रकार की होती है, फिर हम उनके बारे में आगे कैलकुलेशन करेंगे और सिद्ध करेंगे कि टक्कर के बाद में कोई भी कण जब अलग अलग दिशाओं में या किसी भी दिशा में गति करते हैं तो उनके जो वेग होते हैं वो किस प्रकार से बदलते हैं, वो हम बात करें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसकी, टक्कर की। पहले इस क्लास में हम टक्कर के बारे में पढ़ेंगे, टक्कर क्या है, संघट। तो नॉर्मली क्या होती है टक्कर, दो वस्तुओं का भिड़ना है, भिड़ना टक्कर होती है, या नहीं भिड़े तो भी टक्कर हो जाती है, कभी कभी नहीं भिड़े तो भी टक्कर हो जाती है, कोई जरूरी नहीं है कि भिड़ने पर ही टक्कर ही होती है, बिना भिड़े टक्कर होती हुई देखिएगा, है आंखों से हो जाती है टक्कर बिना भिड़े, किसी को गुस्से से देख ले कोई व्यक्ति, हो जाती है ना टक्कर सामने वाला। अभी अगर हमारे पेरेंट्स जो है, हमारे पापा अगर देख ले अगर गुस्से से वहीं बैठे बैठे अंदर कमरे में, तो इतनी तेज टक्कर होती है कि हम कमरे के अंदर ही नहीं जाते इतनी तेज टक्कर हो जाती है। वो भी क्या है, वो भी टक्कर है। तो नॉर्मली देखो रियल में मीनिंग भी इसका यही है, मीनिंग भी इसका यही है, क्या है कि कोई भी जो कण है वो जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से भिड़े तभी टक्कर हो, एक बात तो ये ठीक है। हम नॉर्मली टक्कर का मतलब यही समझते हैं कि मान लो दो गाड़ियों में भिड़न तो गई, एक्सीडेंट हो गया रोड पे, बाइक किसी ट्रक में टकरा गई तो टक्कर हो गई, ऐसा पढ़ते हैं हमें, वो तो टक्कर है ही, लेकिन उसके अलावा टक्कर का मतलब क्या है, टक्कर का मतलब है दो कणों के मध्य होने वाली अन्य क्रिया। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं इंट्रैक्शन, और इसके लिए हिंदी में जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं अन्योन्य क्रिया, ये होती है टक्कर। ये वर्ड अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो पूरा हमें ध्यान रह जाएगा और समझ भी जाएंगे। दो कणों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया। अब अन्योन्य क्रिया से मतलब क्या है, अन्योन्य क्रिया से मतलब है कि एक कण दूसरे को प्रभावित करे, चाहे वो टकरा के करे चाहे वो दूर से ही कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि कोई मैग्नेट है और ये उसका उत्तरी ध्रुव है और ये दूसरी मैग्नेट है ये भी उसका उत्तरी ध्रुव है, और दोनों को जब पास लेके आते हैं तो हम खूब जोर लगा लेते हैं लेकिन ये चिपकते नहीं है, नहीं चिपकते, नहीं भिड़ते, आवाज भी नहीं आती, लेकिन फिर भी क्या किया कि इस कण ने इस कण को प्रभावित कर दिया। तो ये क्या है, ये दोनों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया है। 12वीं कक्षा में नाभिक के बारे में पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, न्यूक्लियस, उसमें भी हम कई बातें करेंगे अन्योन्य क्रिया संबंधी। तो अन्योन्य क्रिया का मतलब ये नहीं है कि कोई कण जो है वो दूसरे से आगे टकराए तो भी तो ही जो अन्योन्य क्रिया होती है तो ही टक्कर होती है। अगर अन्योन्य क्रिया का मतलब है टक्कर भिड़े चाहे नहीं भिड़े, दोनों ही स्थितियों में हो सकती है और उसको ही कहते हैं अन्योन्य क्रिया। उसका एग्जांपल हमने जो लिया है इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो टक्कर को कैसे डिफाइन करेंगे कि दो कणों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया। हम ये नहीं कहेंगे दो कणों में होने वाली भिड़न या टकराना टक्कर कहलाता है, ठीक है, वो भी इसी का पार्ट है, वो भी है टक्कर, लेकिन वो एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। तो सिंपली कह सकते हैं आप दो कणों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सारी बातें आ जाती हैं, टक्कर कहलाती है।
जैसे कक्षा 11 में केमिस्ट्री में भी आएगी ये बात, कक्षा 12 में फिजिक्स में भी आएगी, 9 10th में भी आती है इससे थोड़ी, कि एक रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु, उसमें क्या करते हैं, सोने की पन्नी पे अल्फा कणों की बौछार की जाती है, बहुत सारे अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल जाते हैं, कुछ कण किसी कोण पे मुड़ जाते हैं, कुछ 90 डिग्री पे मुड़ जाते हैं, और लगभग 20,000 में से एक कण ऐसा होता है जो वापिस उसी पथ पर आ जाता है, ऐसा होता है। तो वहाँ क्या हुआ है, वहाँ ये नाभिक हैं, कुछ दो दूर थे वो सीधे चले गए, बाद में हम जब पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में सब देखेंगे, अभी हम टक्कर की बात कर रहे हैं। एक कण ऐसा है जो ये आ जाए इसके सामने से और वापिस मुड़ के आ जाए, तो ये क्या है, ये भी क्या है, इंट्रैक्शन है, यानी जैसे जैसे नजदीक का जाता गया वैसे वैसे प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ता गया, और नजदीक जा गया और प्रतिकर्षण बल बढ़ता गया और इतना हो गया कि उसको वापस उसी पथ पर रिटर्न होना पड़ गया। तो ये क्या है, ये भी क्या होती है, ये भी टक्कर है, ठीक है, इसको भी इंपैक्ट कहते हैं। तो दो कणों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया संकट कहलाती है, टक्कर कहलाती है। तो टक्कर का कहते ये मतलब ना ले कि टकराना है, बिना टकराए भी टक्कर हो सकती है, ठीक है। सामान्यतः टक्कर जो है वो दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक होती है प्रत्यास्थ टक्कर, इनके बात करेंगे डिटेल से और इन्हीं पर बेस्ड आगे के टॉपिक इसकी तो कैलकुलेशन करेंगे हम। दूसरी होती है अप्रत्यास्थ, तो इनके बारे में पहले हमें पता होना चाहिए क्या होती है प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर। इलास्टिक और इनइलास्टिक कहते हैं इसे, इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन भी कह सकते हैं इसको, टक्कर, इंपैक्ट वर्ड यूज करते हैं वैसे से। प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, प्रत्यास्थ ऐसी टक्कर जिसमें टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में संवेग और ऊर्जा संरक्षित रहते हैं, संवेग और दो चीजें होती है जब टक्कर होती है, कोई कण गति करता हुआ आ रहा है तो गति करता आ रहा है तो कण का द्रव्यमान है, उसका वेग भी है, तो द्रव्यमान गुणा वेग हो गया संवेग, है संवेग उसका वहां कुछ ना कुछ संवेग होगा। दूसरा गतिशील है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी होगी, ऊर्जा होगी उसकी, तो वहां उसकी ऊर्जा और संवेग जो होते हैं वो क्या रहते हैं, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। संरक्षित रहने का मतलब है कि टक्कर से पहले जितना उनका कुल मान है टक्कर के बाद में भी उनका उतना ही कुल मान है, यानी कमी नहीं हुई है, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है, अभी से हम इक्वेशन बनाएंगे वो इक्वेशन महत्वपूर्ण है। जैसे एक बात तो क्या शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ऊर्जा व संवेग क्या रहते हैं, टक्कर से पहले वे टक्कर के बाद संरक्षित रहते हैं, निश्चित रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं, ऐसी टक्कर को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं, क्लियर। आगे समझे, अब देखो कैसे इसको, इसको हम इक्वेशन में कैसे बढ़ाएंगे, और ये जो बात है ये समझ में आ जाएगी तो जब हम नेक्स्ट क्लास में इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे तो उसका 50% पार्ट यही बचेगा, बाकी बचेगी 50% कैलकुलेशन जिसमें हम जोड़ घटाव करते हैं, कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करते। तो यहाँ पर एक कण है, यहाँ दूसरा कण है, दो कण, दो कणों में हो गया अकेले में टक्कर होती है, तो एक का द्रव्यमान क्या है m1 है, दूसरे का कुछ भी हो सकता है, क्लियर। दोनों ही गतिशील हो सकते हैं, गाड़ी इधर से आ रही है इधर से आ रही है, टक्कर हो रही है, दोनों गतिशील है, एक रुकी हो सकती है दूसरी गतिशील, कुछ भी हो सकता है, हम दोनों का वेग माप है, अगर दूसरी रुकी हुई है तो उसका वेग जीरो हो जाएगा। इसका टक्कर से पहले प्रारंभिक वेग जो है वो क्या है u1 है, इसका टक्कर से पहले प्रारंभिक वेग जो है वो क्या है u2 है, ठीक है। टक्कर होती है इनके अंदर, ये स्थिति कैसी है, टक्कर से पहले की स्थिति है। अब देखो दो चीजें संरक्षित रहती है टक्कर से पहले और बाद में, एक तो संवेग, इसका संवेग क्या होगा, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, ध्यान रखो अगर जो चीज नहीं ध्यान रहती उसको ब्रैकेट में लिख लिया करो और थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो तो याद रहे, द्रव्यमान गुणा m1 u1, इसका संवेग हो गया, इसका संवेग क्या होगा m2 ये गतिशील है, इसकी गति ऊर्जा क्या होगी 1/2 mv2, तो 1/2 m1 u1 2। अगर हर चीज देखो हम देख के लिखेंगे, हमें केवल इतना मानना है कि दो कण है
जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है और उनके प्रारंभिक वेग u1 और u2। कब प्रारंभिक मतलब टक्कर से होने से पहले की स्पीड, कोई गाड़ी भिड़ती है तो जिस स्पीड में आ रही है भिड़ने के बाद उसी स्पीड में रहती है क्या? नहीं रहती ना, स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है, तो बाद में वेग बदल जाएगा। लेकिन हम क्या मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि उन कणों में कोई क्षति नहीं हो रही है, ठीक है, कोई हानि नहीं हो रही है। जिससे मान लो कोई कण है, एक पत्थर इधर से आया, एक इधर से आया, कंचे के जो खेलते हैं ना, सबसे अच्छा एग्जांपल है, कंचे खेले ना, कंचे कंचे हैं, कांच को लिया याद है, तो उसमें क्या हो रहा था, उसकी सारी स्थितियां जो उसमें जो घटनाएं होती है खेलते समय, वो सारी की सारी हम सिद्ध कर देंगे कि एक तो ऐसे कंचा एक मार रहा है और वो जाके जिसको टकराएगा वो तो आगे चला जाएगा, उसकी जगह वो जाके बैठ जाएगा। क्यों, किस किसने देखी, ये देखिए ना, ये स्थिति कब होगी ये भी हम सिद्ध करेंगे। कभी ऐसा भी होता है कि एक किसी के पास छोटा सा बिल्कुल बारीक सा आगे बीच में वो मारते हैं तो वो जाके टकराता है और वापिस आ जाता है और वो जो जिसको टकराया वो हिलता ही नहीं है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो स्थिति भी हम देखते हैं ना। तो ये जो स्थितियां हैं ये सारी सिद्ध करेंगे हम इसके अंदर टक्कर में। तो हम कंचों का एग्जांपल ले लेते हैं, अब से लेकर जब तक सोल्व करेंगे तब तक ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। उसके अंदर क्या रहता है, दो कण हो गए, एक इधर से आ रहा है, मान लो एक इधर से आ रहा है, दोनों टकराएंगे, टक्कर के बाद में उनकी स्पीड कुछ भी हो सकती है, लेकिन टक्कर के बाद में भी कंचे वो के वो ये टूटा नहीं है, कोई कहते भाई टूट ही गया तो वो एक अलग कंडीशन, हम उसको नहीं ले रहे हैं टूट गया, ठीक है, अपने पास सही का सही है, बाद में भी सही, जो सामान्य स्थितियां होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो बाद में भी उसका जो द्रव्यमान है वो क्या रहेगा, पहले का m1 रहेगा, दूसरे का m2, समझ आएगा ना, ये हम यूज कर रहे हैं। दूसरा वेग उनका कुछ भी बदल सकता है, कोई इधर चला गया इधर चला गया, वेग कम हो गया ज्यादा हो गया, किसका कम हो गया किसका ज्यादा हो गया, वो हम बाद में सीख लेते हैं। तो इसका टक्कर से बाद का जो वेग है अंतिम वेग मान लेते हैं, अंतिम वेग क्या मानते हैं v, तो उसका मान लेंगे v1 और v2। आगे समझ लें, ये दो बातें अगर हमें पता रह जाती हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम हर बात इसकी लिख लेंगे जो सारी हमने पहले पढ़ी हुई है। कण तो वही है अभी भी, लेकिन इनका वेग बदल गया, इसका v1 हो गया और इसका v2, और ये स्थिति कब की है, टक्कर के बाद की स्थिति है। अब देखो हमने दो बातें लिखी है इसके अंदर कि ऊर्जा और संवेग संरक्षित रहते हैं। संरक्षित का मतलब होता है टक्कर से पहले का टोटल और टक्कर के बाद का टोटल और बीच में बराबर का निशान। संरक्षित का मतलब क्या, जितना मान पहले है उतना ही बाद में है, तो पहले कितना होगा दोनों का टोटल कर लेंगे और बाद में कितना होगा दोनों का टोटल कर लेंगे। संरक्षित का मतलब है बाद में और पहले बराबर रहेंगे, तो बीच में लगा देंगे बराबर है, समीकरण बढ़ जाएगी, उस समीकरण की कैलकुलेशन हम कर लेंगे, अभी हम इसको डिफाइन करने। तो परिभाषित करना होता है, ऐसे लिखते हैं कि प्रत्यास्थ टक्कर क्या है, ऐसी टक्कर जिसमें टक्कर से पहले और टक्कर के बाद कणों की ऊर्जा तथा संवेग निश्चित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। दूसरा ये कह सकते हैं कि यहाँ ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो कॉमन बात है ऊर्जा की हानि यहाँ नहीं होती है। अब देखो यहाँ तो संवेग संरक्षण का मतलब है इधर का टोटल संवेग इधर के टोटल संवेग के बराबर होगा, इसका संवेग क्या होगा यहाँ लिख देता हूँ m1 u1, इसका संवेग क्या होगा m2 u2, इसका संवेग m1 u1 और इसका m2 u2, इसकी गतिज ऊर्जा जो लिखा हुआ वो यूज करना है, हमें अपनी तरफ से यूज नहीं करना, एक बटा दो एम टू यू टू स्क्वायर, ये एक बटा दो एम वन वी वन स्क्वायर, ये एक बटा दो एम टू, क्लियर। जब संवेग संरक्षण लगाना है तो इन दोनों का टोटल कर देंगे, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू बराबर एम वन वी वन प्लस एम टू, बन गई समीकरण। जब डिफाइन करना है दो नंबर में तो हमें ये इस तरह से बताना होता है, क्लियर आ गया ना। इसी क्वेश्चन जब हम हल करेंगे फिर दोबारा लिखेंगे अगली क्लास में, इसी बात को दोबारा लिखेंगे, पर फिर हम डिटेल से बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे इसी क्वेश्चन को, तो याद समझ लेते हैं हमसे। तो दूसरी बात लेते हैं संवेग संरक्षण से, सॉरी संवेग लीजिए ऊर्जा संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत लागू हो रहे हैं कि टक्कर से पहले की ऊर्जा और बाद की ऊर्जा बराबर रहती है। पहले की कितनी है 1 by 2 m1 u1 square plus 1 by 2 m2 u2 square is equal to 1 by 2 m1 v1 square
प्लस 1 बाय 2 एम टू वी टू स्क्वायर, ये हुए प्रत्यय अष्टक। अगर आपको डिफाइन करना है तो इतनी बात हमें बतानी है कि प्रत्यय अष्टक किसे कहते हैं, कैसे लेते हैं और कैसे इनकी समीकरण बनाई जाती है। अगली बार समझ प्रत्यास आ जाएगी तो अप्रत्यास वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि जो प्रत्यास नहीं हुआ प्रत्यास है। प्रत्यास में क्या हो रहा है वो इसमें नहीं होगा। प्रत्यास में क्या हो रहा है, टक्कर से पहले और बाद में संवेग और ऊर्जा निश्चित रहते हैं। इसमें क्या होगा, क्या होते हैं टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में संवेग तो निश्चित रहता है। देखो संवेग की कभी भी हानि नहीं होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऊर्जा भी वैसे संरक्षित रहती है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत हमेशा लागू होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ये भी लागू होगा। लेकिन ये तो है ना, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। जब टक्कर होती है तो बहुत तेज आवाज होती है, तो आवाज कहां से आई, वो ऊर्जा ही ध्वनि ऊर्जा में बदल गई, इसलिए ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। टक्कर होने के बाद गर्म भी हो जाती है कुछ बॉडी, हो जाती है ना, क्यों, जैसे मान लो एक पत्थर दूसरे के टकराएंगे तो फिर हम उसको स्पर्श करके देखे गर्म होगी, गाड़ी भिड़ गई तो आप उनके ऊपर के लोहे को गर्म करके वो देखे हाथ लगा के वो आपको गर्म दिखाई दे, तो ऊष्मा भी उत्पन्न हुई है वहाँ, वो ऊष्मा कहाँ से आई, ऊष्मा भी ऊर्जा ही है, हम नेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे, तो वो भी कहाँ से है, उस ऊर्जा से आई है, इसलिए वो ऊर्जा बदल गई, नष्ट नहीं हुई है, इसमें हो गई बदल गई, इसलिए ऊर्जा जो होती है टक्कर के बाद में कणों की ऊर्जा कम हो जाती है, ऊर्जा कुछ भाग बदल जाता है दूसरी ऊर्जाओं के रूप में, क्लियर। लेकिन संवेग के बारे में आप ये बात को ध्यान रखें कि संवेग जो होता है वो हमेशा संरक्षित ही रहता है, संवेग में परिवर्तन नहीं होता है, पहले जितना संवेग था बाद में भी संवेग उतना ही रहता है, इसलिए जब भी टक्कर से संबंधित न्यूमेरिकल आते हैं, जब भी इस बात को ध्यान रखना, जब भी टक्कर से संबंधित न्यूमेरिकल आते हैं परीक्षा में तो वो सारे संवेग संरक्षण से सोल्व होते हैं, ऊर्जा संरक्षण से सोल्व नहीं होते, ठीक है। ये सिद्धांत लगे हम बाद में क्वेश्चन करके देखेंगे कैसे आते हैं इसमें। तो अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, ऐसी टक्कर जिसमें टक्कर से पहले तथा बाद में संवेग तो संरक्षित रहता है, संवेग तो रहेगा, परंतु ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, ऐसी टक्कर क्या कहलाती है। अब ऊर्जा जाती कहाँ है, ऊर्जा जो है वो ऊर्जा का कुछ भाग ध्वनि ऊर्जा, सूक्ष्म ऊर्जा आदि में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। कोई भी टक्कर होती है तो वहां क्या होता है, परिवर्तन होता है। अप्रत्यास्थ टक्कर की बात कर रहे हैं, अप्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है। हम जब हल करेंगे तो हम प्रत्यास्थ टक्कर लेकर ही हल करेंगे, हम प्रत्यास्थ टक्कर ही मानेंगे, ठीक है। वहां अप्रत्यास्थ लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि अप्रत्यास्थ में क्या है, कितनी ऊर्जा रूपांतरित हुई है ये तो हमें पता ही नहीं, तो फिर कैलकुलेशन कैसे होगी। कैलकुलेशन कब होती है, समीकरणों से होती है। समीकरण कब बनती है, जब बीच में बराबर का निशान होता है तब समीकरण बनते हैं। यहाँ बीच में बराबर का निशान संवेग में आएगा, यानी ये समीकरण तो ऐसी कैसी आएगी। तो आपको ये डायग्राम अपने यहाँ बना सकते हैं कि टक्कर से पहले द्रव्यमान m1 है, m2 है, वेग u1 u2 है, टक्कर के बाद में द्रव्यमान m1 m2 ही रहता है और वेग बदल के v1 v2 कुछ भी हो सकता है। तो ये टक्कर से पहले की स्थिति है और ये बाद की स्थिति है, आई बात समझ में, ठीक है। अब संवेग संरक्षण इसमें लगेगा तो क्या होगा, संवेग संरक्षण से m1 u1 plus m2 u2, वही समीकरण उधर लिखिए, वही लिख रहा हूं मैं, m1 v1 plus m2 u2। ऊर्जा संरक्षण से ये दोनों बराबर ही समीकरण को लिखें तो आप क्या लिखोगे, इसमें ऐसे लिखोगे आप 1 by 2 m1 u1 square plus 1 by 2 m2 u2 square
इज नॉट इक्वल टू, इक्वल को काट देंगे हम इसको यहाँ, एम वन वी वन स्क्वेयर प्लस वन बाई टू एम टू की पहले की और बाद की बराबर नहीं रहती, ये तो लिखा ना हमने, बाद में संरक्षित नहीं रहती तो बाद की कम हो जाती है, बाद की जो ऊर्जा है वो क्या हो जाती है पहले की तुलना में कम हो जाती है, क्यों हो जाती है वो कारण हमने लिख लिया है, क्योंकि कुछ ऊर्जा का भाग जो है वो परिवर्तित हो जाता है उष्मा ध्वनि के रूप में, इसलिए ये नॉट इक्वल टू है। अब आप जब इक्वल ही नहीं है तो फिर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में नहीं ले सकते, इसीलिए इसलिए अगर हमें या तो पता होगी कितनी ऊर्जा लॉस हुई है तो उसको हम इसमें ऐड कर देंगे तब वो बराबर हो जाएगी, ठीक है। सामान्यतः जो हम टक्कर लेकर चलते हैं उनको हम प्रत्यास टक्कर मानकर ही सोल्व करते हैं, और उसी को लेकर हम सोल्व करेंगे कि टक्कर से पहले हमें पता है हमारे पास ज्ञात चीजें चार हैं, दोनों कणों के द्रव्यमान m1 और m2 और दोनों कणों के वेग हैं, कब टक्कर से पहले किस स्पीड में v u1 और u2, हमें सिद्ध करना होगा कि टक्कर के बाद में इनके वेग क्या हो जाते हैं v1 और v2, और क्वेश्चन आपको ये कहा जाएगा संघट को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकार लिखिए, तथा प्रत्यास्थ टक्कर के लिए टक्कर के बाद में कणों के वेगों के व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये पूछा जाए, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछा जाए तो एक कंडीशन हम सोल्व करेंगे, उन कंडीशंस के क्वेश्चन बढ़ा दिए जाते हैं, सोल्व हमें वही करना पड़ा, तो उनकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इसको लिख लो पढ़ लो फिर बाकी बात नहीं देखते।